एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर उन्हें स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिया भी है, इसी कारण उन्होंने उन्हें पारिजात वृक्ष लाकर दिया है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब एक बार इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था, तब से उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास युद्ध में जब कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यही समझने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति और मेरे बल का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। इन तीनों के इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया था। उनके स्मरण करते ही हनुमान जी तत्काल द्वारिका आ पहुँचे थे। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, यह तो हनुमान जी जानते ही थे। साथ ही वह यह भी जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस कार्य के लिए बुलाया है। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जाने की जगह द्वारिका के एक बहुत ही सुंदर बागीचे में चले गए थे और वहाँ के वृक्षों में लगे फलों के साथ साथ वृक्षों को भी तोड़ने लगे थे। यह खबर जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँची कि एक वानर बगीचे को उजाड़ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। तब बल के अभिमान में भरे गरुड़ ने यह कहा था कि प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे पकड़ लाता हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ उड़ते हुए उस बागीचे में पहुँचे जहाँ हनुमान जी वृक्षों को उखाड़ रहे थे, तो गरुड़ ने उन्हें बिना जाने ही उनको पकड़ने का प्रयास किया था। तब हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ में दबाकर जोर से कस दिया, जिससे गरुड़ की सांस रुक गई थी। गरुड़ को इस प्रकार कुछ समय तक पीड़ित करने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ से ही गरुड़ को दूर समुन्द्र में फेंक दिया था। तब गरुड़ बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर भगवान श्री कृष्ण के दरबार में वापस आकर यह बोले थे कि प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं है, इसलिए मैं उसे पकड़कर नहीं ला सका। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अवश्य ही श्री राम जी के भक्त हनुमान होंगे, तुम उनके पास जाकर यह कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है, वह अवश्य चले आएंगे और हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ हनुमान जी को ढूंढते हुए वहाँ से बहुत दूर मलय पर्वत पर पहुँच गए थे और हनुमान जी से अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए उनसे यह कहा था कि भगवान श्री राम ने आपको याद किया है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से उनके पास पहुँचा देता हूँ। हनुमान जी प्रभु की यह लीला भी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने गरुड़ से यह कहा था कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए थे और सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम द्वार पर रहो, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर न आने पाए। तभी हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए थे तो सुदर्शन ने उन्हें रोकते हुए यह कहा था कि तुम बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते हो। तब हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने दांतों में दबा लिया था और अंदर चले गए थे। हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठे भगवान श्री राम को प्रणाम करके उनसे यह कहा था कि प्रभु, माँ कहाँ है, आपके पास उनके स्थान पर यह कौन दासी बैठी है। सत्यभामा ने जब यह बात सुनी तो बड़ी ही लज्जित हो गई थी और उनका सारा घमंड चूर हो गया था। तभी थके हुए गरुड़ देव भी हाँफते हुए दरबार में आ गए थे। गरुड़ ने वहाँ हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए थे कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। इस प्रकार गरुड़ का बल और गति दोनों का अभिमान चूर हो गया था। तभी श्री राम रूपी कृष्ण ने हनुमान जी से यह पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गए थे, तुम्हें क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका तो था, परंतु मैं आपके दर्शन में विलंब कैसे कर सकता था, इसलिए मैंने उस सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से दबे हुए सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया था। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा घमंड समाप्त हो गया था।